अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इटली की परमेसो दे सोजोर्नो के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त जो इटली में मौजूदा हालात चल रहे हैं उससे तो सब ही वाकिफ हैं। तो कुछ हमारे भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि उनकी परमेसो दे सोजोर्नो ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो रही है, तो हमें बताइए इसका क्या हल है। क्योंकि हमारे काफ़ी भाई जो इटली में सीजनल वर्क वीज़े पर होते हैं, वो अक्सर जनवरी फरवरी में पाकिस्तान जाते हैं और उनकी परमिसो दे सोजोर्नो ख़त्म होने वाली होती है। तो मेरे दोस्तों, इटली हुकूमत की जानिब से इसका एक अच्छा ऐलान कर दिया गया है कल ही में, जिसका मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से कबल गुजारिश हमेशा की तरह एक ही रहेगी कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद हमारी वीडियो को देखने के लिए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जिन हमारे दोस्तों की परमिसो दे सोजोर्नो ख़त्म होने वाली हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया के हालात की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान से परवाज़ें जो हैं वो इटली के लिए उड़ान नहीं कर रही हैं, तो ऐसे हमारे दोस्त अहबाब के लिए इटली गवर्नमेंट ने, यानी कि इटालियन मिनिस्ट्री ने, एक परफॉर्मा जारी कर दिया है कि जिन अफराद की सोजोर्नो 31 जनवरी से 15 अप्रैल तक ख़त्म हो रही थी, तो अब इटालियन मिनिस्ट्री की जानिब से इस अरसा मुद्दत की मियाद को बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस वक्त को 15 जून तक कर दिया गया है। तो अब मेरे ऐसे दोस्त जिनकी परमिसो दे सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी है या फिर होने वाली है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त को वसी कर दिया गया है। और कुछ ऐसे दोस्त जिनकी फिंगरप्रिंट अपॉइंटमेंट थी, तो उनके लिए ये खबर है कि अभी तक कस्तूरा अभी फ़िलहाल बंद है, तो उन भाइयों के लिए ये दरख्वास्त है कि जब तक कस्तूरा ओपन नहीं हो जाता है तो आप इंतज़ार करें। जब कस्तूरा खुलेगा तो आपको डाकखाने की जानिब से पैगाम बजरिया SMS आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई और इटली इमिग्रेशन के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी या न्यूज़ आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो शेयर कर दी जाएगी। तो अभी के लिए दे इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।